के शुरुआती महीनों में ब्लीडिंग होना बहुत कॉमन चीज़ है। यह ब्लीडिंग भी हो सकती है, हल्की फुल्की स्पॉटिंग भी हो सकती है। 20% से भी अधिक केसेस में, यानी कि प्रेगनेंसी में 10 में से 2 से अधिक महिलाओं के अंदर ब्लीडिंग की समस्या पाई जाती है। यह ब्लीडिंग कई कारणों से हो सकती है और जो कारण होता है उसी के हिसाब से रहता है उसका इलाज। कई कारण जैसे कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, सब कोरियोनिक हैमरेज, बच्चे का बच्चेदानी की दीवार से थोड़ा सेपरेशन होना, ट्यूब में बच्चा होना, मोलर प्रेगनेंसी होना, इन्फेक्शन के कारण, तो कई चीज़ें हैं जिसके कारण कि ये ब्लीडिंग हो सकती है। कौन सा कारण है और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या रहता है इलाज, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। इसको आप पूरा देखिएगा, इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, क्योंकि कारण कौन सा है वह जानना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से रहेगा। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपको इसके बारे में अच्छे से पूरा क्लियर करूँगी। तो देखिए, सबसे पहला आते हैं हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के ऊपर। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग यानी कि जब बच्चा बच्चेदानी के अंदर चिपकता है, उस टाइम पर जो वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा होता है, नन्हा सा एम्ब्रियो होता है, जब वह बच्चेदानी के दीवार में चिपकता है तो वो एक बरो जैसा सा करता है, यानी कि हल्का सा गड्ढा जैसा सा बना के बच्चेदानी के दीवार में चिपकता है, जो कि फर्टिलाइजेशन होने के 6 से 12 दिन के बीच में होता है। ओवुलेशन होने के 6 से 12 दिन के बीच में पाया जाता है ये चीज़। और इसमें जो ब्लीडिंग होती है वह काफ़ी कम होती है, हल्की फुल्की स्पॉटिंग जैसी ही होती है। ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है यूजुअली पीरियड मिस होता है उससे पहले ही दिखाई दे जाती है, यानी कि एक्चुअली प्रेगनेंसी डिटेक्ट ही नहीं हुई इससे पहले ही ये ब्लीडिंग हो जाती है। काफ़ी कम होती है, स्पॉटिंग जैसी ही होती है, एक दिन से ज़्यादा यूजुअली नहीं चलती है, मैक्सिमम 2 दिन, लेकिन वो भी हल्का सा स्पॉटिंग, उससे ज़्यादा नहीं। हल्के फुल्के से क्रैम्प्स भी हो सकते हैं, पेट के निचले हिस्से में हल्का फुल्का दर्द भी मिल सकता है इसके साथ में। ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, इसका आपको कैसे पता चल सकता है? ये पीरियड मिस होने से पहले मिल जाती है, ओवुलेशन के समय से 6 से 12 घंटे के 12 दिन के बाद में होती है। इसके अंदर और भी कई सिम्टम्स मिल सकते हैं, जैसे कि हल्का फुल्का जी घबराना, मूड चेंजेस होना, फूड की क्रेविंग्स में चेंजेस आना, ब्रेस्ट में पेन होना, यानी कि प्रेगनेंसी के जो दूसरे सिम्टम होते हैं, हेडेक होना, वह भी हो सकता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का यूजुअली इलाज की ज़रूरत नहीं होती है, एक नॉर्मल चीज़ है। हम कहते हैं कि आप जब आपको ऐसी स्पॉटिंग हो उसके 10 दिन बाद एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लीजिए, अगर वो पॉजिटिव आता है तो अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर आप अपना प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट चालू कीजिए। अगला होता है मिसकैरेज, यानी कि प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू हो रही है, अबॉर्शन हो रहा है। तो ये जो प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू हो रही है, मिसकैरेज हो रहा है, मिसकैरेज भी के अंदर भी ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, पीरियड आपका मिस हो गया, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, यानी कि प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है और उसके बाद ब्लीडिंग होनी शुरू हुई है। अब अगर आपको प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद ब्लीडिंग शुरू हो रही है तो यह एक मिसकैरेज का लक्षण हो सकता है। इसमें ब्लीडिंग कम या ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है कि किस प्रकार का मिसकैरेज है, यानी कि सिर्फ वो थोड़ा सेपरेट हुआ है या थोड़ा डिसकंटिन्यू हुआ है, यानी कि इनकम्प्लीट अबॉर्शन हुआ है, यानी कि अंदर कुछ पार्ट बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है, या पूरा का पूरा निकल रहा है। उसी के हिसाब से डिसाइड होता है, उसी के हिसाब से डिपेंड करता है कि ब्लीडिंग कितनी होगी, थोड़ी होगी, ज़्यादा होगी, क्लॉट्स के साथ होगी या नहीं होगी। लेकिन हाँ, कुछ सिम्टम्स जो कि मिसकैरेज में अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत हाई चांसेस है कि मिसकैरेज है। अगर ब्लीडिंग अच्छी खासी है, यानी कि मात्रा काफ़ी है, यानी कि जितना आपको पीरियड्स में ब्लीडिंग आती है ऑलमोस्ट उतनी है, उससे भी हैवी ब्लीडिंग है, तो हाई पॉसिबिलिटी होती है कि मिसकैरेज का यह एक लक्षण है। अगर काफ़ी तेज़ क्रैम्प्स है, यानी कि बहुत तेज़ पेट में कमर में दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग के साथ में क्लॉट्स पास हो रहे हैं, कुछ टुकड़े जैसा अक्सर आपको लग रहा है कि निकल रहा है, तो हाई पॉसिबिलिटी होती है कि यह एक मिसकैरेज का लक्षण है। लेकिन कंफर्म हम कैसे करते हैं? इसका कंफर्म करने का तरीका डॉक्टर के पास जाके अल्ट्रासाउंड कराना रहता है, सोनोग्राफी करानी रहती है। ये इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि अगर मिसकैरेज हो रहा है तो वह भी कंप्लीट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मिसकैरेज हुआ और कुछ हिस्सा अंदर रह गया और कुछ हिस्सा निकल गया तो यह आपकी बॉडी में इन्फेक्शन दे सकता है, सेप्सिस दे सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कभी कभी मिसकैरेज जो
मिसकैरेज वाला प्रोसीजर है वो जस्ट स्टार्ट हुआ है, यानी कि मिसकैरेज हो नहीं गया है, जिसे हम कहते हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन, यानी कि बच्चा बच्चेदानी से थोड़ा सेपरेट होना शुरू हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा अबॉर्ट हो गया, यानी कि हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है कि हम कुछ दवाइयाँ दे के उस प्रोसीजर को रोक सकें। इसलिए डॉक्टर के पास जाके सोनोग्राफी कराना ज़रूरी होता है, ताकि अगर ये सिर्फ एक थ्रेटेंड अबॉर्शन का केस है, यानी कि बच्चा पूरा सेपरेट नहीं हुआ, पूरा निकला नहीं है, अंदर ही है और सेपरेट भी पूरा नहीं हुआ है, अपनी पोजीशन पे है, लेकिन हाँ सिर्फ ब्लीडिंग शुरू हुई है, तो हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सपोर्ट दे के और कुछ एक दो इंजेक्शंस दे के ब्लीडिंग रोकने की दवाइयाँ देते हैं, ताकि प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सके। कभी कभी एक मिस्ड अबॉर्शन का केस होता है, यानी कि मिसकैरेज तो हो गया लेकिन पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं हुई या फिर हल्की फुल्की स्पॉटिंग हुई, तो ऐसे केसेस में बहुत बार पेशेंट को पता नहीं पड़ता है और डायग्नोसिस सिर्फ सोनोग्राफी के द्वारा होता है। ऐसे केसेस में बच्चा अंदर ग्रो करना बंद कर देता है, लेकिन हल्की फुल्की सी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग ही होती है, या फिर सिर्फ ब्राउनिश डिस्चार्ज जैसा सा होता है। तो अगर प्रेगनेंसी में आपको ब्राउनिश डिस्चार्ज भी हो रहा है, तो भी आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लेना चाहिए कि कहीं यह एक मिस्ड अबॉर्शन का केस तो नहीं है, यह जानने के लिए। और अगर मिस्ड अबॉर्शन का केस है तो उसके अंदर भी हमें प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू करना पड़ता है, नहीं तो आपके बच्चेदानी में ही इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। अगली पॉसिबिलिटी यानी कि प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो चुकी है, डायग्नोस हो चुकी है, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है और उसके बाद ब्लीडिंग शुरू हो रही है, हल्की फुल्की ब्लीडिंग है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत दर्द है, तो यह एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी केस हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो लगभग 2% महिलाओं में पाई जाती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है जो प्रेगनेंसी है, जो गर्भ है, वह गर्भाशय में नहीं है, बच्चेदानी में नहीं है, बल्कि ट्यूब्स या ओवरी में है। सेंटर में एक यूट्रस होता है, साइड में दो ट्यूब्स होती हैं और दो ओवरी होती है उसके साइड में। तो प्रेगनेंसी यूट्रस में, बच्चेदानी में ना होकर ट्यूब या ओवरी के अंदर होना, जो कि एक थोड़ी गंभीर तरह की समस्या है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो कि लगभग 2% महिलाओं में पाई जाती है। तो अगर आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही है, हल्का फुल्का दर्द है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कीजिए। सोनोग्राफी करना ऐसे केसेस में ज़रूरी रहता है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हमें सोनोग्राफी के द्वारा ही पता चलती है, ऐसे हमें पता नहीं पड़ता है। जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक गंभीर समस्या इसलिए होती है क्योंकि वह पेट में ही रप्चर हो सकती है, पेट में ही ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, जो कि एक जानलेवा कंडीशन हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा एक डेडिकेटेड पूरा वीडियो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में, आप उसे सुन सकते हैं। आते हैं हम अगली कंडीशन के अंदर, मोलर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर ब्लीडिंग मोलर प्रेगनेंसी के कारण भी हो सकती है। मोलर प्रेगनेंसी इतनी कॉमन चीज़ नहीं है, लगभग 1000 में से 1 प्रेगनेंसी के अंदर मोलर प्रेगनेंसी होती है। मोलर प्रेगनेंसी के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो प्रेगनेंसी है यानी कि जो गर्भ है, वह तो अच्छे से विकसित होता नहीं है, बच्चा तो ढंग से विकसित नहीं होता, बल्कि प्लेसेंटा की कुछ एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। यह एक प्रकार के जेनेटिकल एरर के कारण होती है, जिसके कारण कि एम्ब्रियो तो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन आपका ये प्लेसेंटा एबनॉर्मली ग्रो कर रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करता है, जिसके कारण कि मरीज़ को नौजिया, वॉमिटिंग, ब्लीडिंग, इन सभी की समस्या आती है। ऐसे केसेस को डायग्नोस हम सोनोग्राफी के द्वारा ही करते हैं, और अगर डायग्नोसिस में, सोनोग्राफी में हमें मोलर प्रेगनेंसी मिलती है, तो उसे हमें डिसकंटिन्यू करना ज़रूरी होता है, नहीं तो किसी भी दिन बहुत हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये प्रेगनेंसी कभी भी नॉर्मल प्रेगनेंसी, इसमें से कोई बच्चा नहीं होता, ये एबनॉर्मल टिश्यू ही ग्रो होता रहता है, एबनॉर्मल गांठ ही बनती रहती है, और इसमें कैंसर डेवलप होने की, जी हाँ, आपको सुन के थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन जी हाँ, मोलर प्रेगनेंसी का एक रिस्क कोरियोकार्सिनोमा यानी कि गर्भाशय का एक प्रकार का रेयर कैंसर भी हो सकता है, इसलिए इसका डायग्नोसिस भी ज़रूरी होता है। कभी कभी बच्चेदानी के मुख के कुछ इन्फेक्शंस के कारण, सर्वाइकल इन्फेक्शंस के कारण भी ब्लीडिंग हो जाती है, जैसे कभी कभी भी निजीरिया का इन्फेक्शन है, क्लेमाइडिया इन्फेक्शन है, उसके कारण भी हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो जाती है। ऐसे केसेस के अंदर हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एंटीबायोटिक्स देने होते हैं, यूजुअली उससे यह ठीक होती है, हो जाती है, बहुत ज़्यादा चिंता का विषय यूजुअली नहीं होता है। अगली कंडीशन जिसके अंदर की प्रेगनेंसी है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, वह होता है सबकोरियोनिक हैमरेज, SCH, सबकोरियोनिक हैमरेज। बहुत बार आपने सोनोग्राफी कराई होगी, आपकी रिपोर्ट में लिखा होगा स्मॉल रेट्रोप्लेसेंटल क्लॉट सीन और स्मॉल सबकोरियोनिक हैमरेज SCH सीन।
तो सबकोरियोनिक हैमरेज क्या होता है? सबकोरियोनिक हैमरेज में बेसिकली जो बच्चा होता है वो बच्चेदानी की दीवार से थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, खिसक जाता है। उस खिसकने के कारण उस बच्चे के और बच्चेदानी की दीवार के बीच में थोड़ा सा ब्लड इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए ये छोटा होता है तो यूजुअली हम जब हार्मोनल सपोर्ट देते हैं, मरीज को बेड रेस्ट के लिए भी देते हैं, तो ये यूजुअली ठीक हो जाता है। बहुत ज़्यादा बड़ा सबकोरियोनिक हैमरेज होता है तो उसमें प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू होने का, मिसकैरेज होने का रिस्क रहता है। तो ये कई कारण जैसे कि हमने देखे कि हो सकते हैं प्रेगनेंसी में, अर्ली प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में ब्लीडिंग होने के कारण जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इलाज होगा कारण के हिसाब से। आई होप मैं आपको के कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने में क्लियर कर पाई होंगी। आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।